इधर हमने 6 टमाटर ले लिया, इसको पहले तो पीसेंगे कच्चा, इसको ऐसे ही मिक्सर में पीस लेंगे। हलचल फूड में आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। आज बीरू बनाने वाला है लहसुनी अरबी, वो एकदम होम स्टाइल अरबी बनाएगा वो एकदम। तो देखते रहना वीडियो कंटिन्यू। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए देखते हैं लहसुनी अरबी आज बीरू कैसा बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये है अरबी, तो इसको हमने कुकर में बॉईल कर लिया था। बीरू कितना सीटी लगाया था? 3 सीटी में ये बॉईल हो गया, उसके बाद छिलका निकाल लिया। अभी इसको कटिंग करेंगे छोटा छोटा पीस करके। खाने में बहुत ही टेस्टी है। जो नहीं खाता है ना, अब ऐसा बना के एक बार खाना तो आपको पसंद आएगा। पहले तो इसको कटिंग कर लेंगे। इधर हमने 6 टमाटर ले लिया, इसको पहले तो पीसेंगे कच्चा, इसको ऐसे ही मिक्सर में पीस लेंगे। अरबी पूरा कटिंग हो गया। पहले तो टमाटर को पीस लेंगे, लाल लाल करके टमाटर लेना। टमाटो पेस्ट बन गया, तो चलिए अभी आगे का कार्रवाई शुरू करते हैं। अरबी के लिए कढ़ाई लग गया है। पहले तो कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। अभी ऑयल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन और अखा जीरा, और उसमें डालेंगे बहुत सारा चॉप किया हुआ लहसुन। अभी इसी में डाल देंगे अदरक लहसुन पेस्ट। लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो गया, अभी हमने जो टमाटर पीस के रखा था वो पूरा डाल देंगे इसमें। अभी थोड़ा सा कटा हुआ हरी मिर्ची डाल दिया, डाल के इन सबको एकदम अच्छे से भुनेंगे। टमाटर भून भून के ब्राउन हो गया, एकदम गाढ़ हो गया एकदम ग्रेवी। मसाला ब्राउन हो गया, अभी इसमें मसाला डाल देंगे। पहले तो डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और अभी डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। अच्छा, और थोड़ा सा डालेंगे डेगी मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए है। स्कूल से आ रहा है अभी। हाय कर दो। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा कांदा ग्रेवी,
ग्रेवी, आपके पास ग्रेवी नहीं रहेगा तो आप कांदा पीस के भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन कांदा ज़्यादा जाता नहीं है, थोड़ा सा ही। टमाटर और कांदा को एक साथ मिला के पीस सकते हैं ना। टमाटर कांदा डालिए चाहे टमाटर डालिए, जो भी डालना है, मसाला एकदम अच्छे से भूनना है, भून भून के एकदम इसको कड़क बना लेना है, तब जाके अरबी में टेस्ट आएगा। तो मसाला हमारा लगभग भून के कंप्लीट हो गया, क्यों बीरू? तो अभी हम अरबी डालेंगे। तो ये हमने बॉईल करके रखा था अरबी, ये डाल देंगे अभी। और अरबी को बॉईल करके ही डालना, कच्चा मत बनाना। अभी ऐसे स्लो फ्लेम में इनको भुनेंगे 10 मिनट तक। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। दस मिनट तक ऐसे स्लो में उबालेंगे। 10 मिनट ऐसे भुनने के बाद कुछ इस तरह से हो गया। अब डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और गैस को कर देंगे बंद। और ये हो गया हमारा लहसुनिया अरबी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।